आज हम बनाएंगे बटर पटेटो सैंडविच। इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे चटनी। तो चटनी में हमने 2 टमाटर डाले हैं, 2 मिर्ची, अदरक लहसुन और हरा धनिया, ये आधी चम्मच जीरा। तो इनको हम पीस लेंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा नींबू का रस पीसने के बाद। ठीक है दोस्तों, हमने इसको एक कटोरी में निकाल लिया है। ये चटनी सैंडविच में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। आलू का डल गया हमारा आधा चम्मच, जीरा, ये कटी हुई बारीक प्याज, इनको डाल देंगे, अच्छे से पका लेंगे प्याज को। उसके बाद डालेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, अच्छे से चला लेंगे दोस्तों, इनको पका लेंगे हम दोनों को, अच्छे से जलाएंगे नहीं। ये हमने डाल दिया आधी चम्मच खड़े वाले धनिए, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। ये भरता जो हम बना रहे हैं, इनको आप ब्रेड पकोड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम सैंडविच बना रहे हैं उसी में डालेंगे, और आप इसका बड़ा भी बना सकते हैं। ये हमने डाल दिया आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इनको भी अच्छे से चला लेंगे। लो फ्लेम पर हम पकाएँगे। ये आधी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे दोस्तों। हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आप हिसाब से डालिएगा टेस्ट के। हम चला लेंगे, अच्छे से पका लेंगे इस तरीके से। ये हमने 3 उबले हुए आलू डाले हैं, बड़े वाले, अच्छे से कद कुचल लिया था हमने इनको। इस तरीके से हम अपने भरते को भून लेंगे हाई फ्लेम पे, अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये भरता, उसमें बटर पटेटो सैंडविच में बहुत टेस्टी लगेगा। आप बना के खा के ज़रूर देखिएगा। अब हम अपनी ब्रेडों को सेक लेंगे। एक तवे पे हमने डाला है ये बटर। ठीक है दोस्तों, बटर अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें इसको लगा लगा के ब्रेडों को अपनी सेक लेंगे। हमने छोटी ब्रेडें इस्तेमाल करी हैं, आप बड़ी वाली भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसको सेक लेंगे। पहले एक साइड से सेकेंगे दोस्तों, फिर थोड़ा बटर और डाल के दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे। हमें ब्रेडों को बहुत अच्छी तरीके से सेकना है, क्योंकि ये बटरी टेस्ट देगी इसमें। इस तरीके से हम सेक लेंगे दोनों साइड से अपने ब्रेडों को। अब इसके बाद ये निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे जो हरी चटनी जो हमने बनाई हुई थी। अब इसमें हम लगा देंगे अपना भरता पूरे में ब्रेडों में, अच्छे से इस तरीके से लगा देंगे। तो हम डबल डबल ब्रेडों लगा के रख लेंगे। इस तरीके से हमने 3 ब्रेडों में देखिए भरता लगा दिया है। अब इसके बाद डालेंगे हम ये कटी हुई प्याज और टमाटर, रिंग में हमने रखी थी लगा के। तो इस तरीके से रिंग बना बना के हमने रख दिया है। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। हमने रिंग बना के इसलिए रखा था कि ताकि हर जगह से, हर कोने से हमारे मुंह में टेस्ट आए, हर फ्लेवर आए। इसके बाद हरी चटनी और डाल देंगे हम इसी के ऊपर। हरी चटनी के डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस, अच्छे से लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से लगाएंगे हम। पूरी ब्रेडों में हम लगा लेंगे दोस्तों इस तरीके से, बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से तवे पे बटर लगा के थोड़ा सा सेकेंगे, जिससे और अच्छा इसका मस्त टेस्ट आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हम इनको सेक लेंगे दोनों तरफ से, इस तरीके से दोस्तों। हम लोग मोबाइल को हाथ में ही पकड़ के ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं अभी ख़रीद नहीं सकती हूँ ट्राईपॉड, इसी वजह से। दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी ब्रेडों को सेक लिया। अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए दोस्तों, इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कैसा बना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको सेक लेंगे अच्छे से। आप इसको चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है ये। अब इसको हम काट लेंगे बीच में से सॉस लगा के, जिससे इसकी कटिंग के बाद इसमें सॉस ही फ्लेवर आए। इस तरीके से हमने इसको काट लिया। ये देखिए दोस्तों, एकदम भरा भरा सैंडविच दोस्तों। आप चाहें तो इसका ब्रेड पकौड़ा भी बना सकते हैं दोस्तों। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।